पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है और तमाम महागठबंधन के जो विधायक हैं आज इस चीज को लेकर बवाल खड़े करेंगे कि जो कल सुनील सिंह की सदस्यता जा रही है और आज इस पे बता दें कि बड़ा फैसला, एक अंतिम फैसला इस पे आने वाला है, क्या कुछ उनकी सदस्यता के साथ होगा। तो आपको बता दें कि राजद के तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, महागठबंधन के विधायक यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये दावा किया, एक आरोप लगाया कि अब लोकतंत्र की आवाज़ देखिए दबाई जा रही है। यहाँ पे हम आते हैं, विपक्ष जब अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, अपनी दुविधा को बताता है तो वो प्रॉब्लम सुनी नहीं जाती और विपक्ष को कुछ कहा नहीं जाता है। आज सदन में हम हंगामा तो करेंगे क्योंकि हमारी बातों को आराम से नहीं सुना जाता है। उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कह दिया कि जिस तरीके से सुनील सिंह को यहाँ से हटाया जा रहा है उनकी गलती नहीं है। इसके बावजूद सुनील सिंह को यहाँ से हटाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, तमाम जो राजद के नेता है आज पहुँच गए, आज हंगामे के आसार बहुत लग रहे हैं। आप खुद चल के सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक यहाँ पहुँच। नहीं, रुक जाओगे, एक बार ले लो जिसको लेना। आज सदन का पांचवा और अंतिम दिन है, क्या लगता है आज भी हंगामेदार सदन चलेगा? देखिए, हम लोग हंगामा करने नहीं आते, हम लोग जनता की बात को रखने के लिए आते हैं। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में और जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो हम लोग चुप भी बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है इस सदन में और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये लोग जो सदन चला रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये सही नहीं है। जिस तरीके से सुनील बाबू के ऊपर जो आ रहा है कि उनका सदस्यता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो एक बात बताइए कि अगर विपक्ष की आवाज़ अगर आप लोग दबाने का काम करेंगे तो ये पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी माननीय सदस्य को जो अगर उनके ऊपर बोलेगा तो उसका आप सदस्यता रद्द करवा दीजिएगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव भी आएंगे। बिल्कुल, वो हमेशा से रहे हैं, बीच में आप लोग भी जान रहे हैं कि उनका जो कमर का प्रॉब्लम था उसको इलाज कराने के लिए वो बाहर गए हुए थे, आए हैं, तो आज वो सदन में रहेंगे और पूरे मुस्तैदी से जनहित की जो मुद्दे होंगे उसको लेकर के हम लोग के साथ सदन में आज उपस्थित रहेंगे। नीरज कुमार कह रहे हैं कि वो अगर इलाज कराने गए तो कहाँ गए बताएं। कहा है, नीरज कुमार जी को नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ जाते हैं इलाज कराने? बिहार में कराते हैं कि बिहार के बाहर कराते हैं इलाज? तो इस पर भी उन लोग को बयान देना चाहिए कि आखिर जब सब कुछ अच्छा है, 15 साल में आपने 19 साल हो गया अभी, आप 15 साल का दुहाई देते हैं, 2005 से अभी 2024 हो गया, अभी तक आखिर यहाँ ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी इलाज कर सके, करा सके, तो आखिर दिल्ली क्यों जाते हैं इलाज कराने? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।